पिंडी क्रिकेट टेस्ट में टेस्ट सीरीज में शिकस्त खाने के बाद कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मशरूत कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक टेस्ट स्क्वाड के अरकान के फिटनेस टेस्ट 7 और 9 सितंबर को लाहौर में होंगे। ज़राए के मुताबिक टेस्ट स्क्वाड से बाहर बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स के भी फिटनेस टेस्ट होंगे। टेस्ट पास करने के लिए फिटनेस का मयार 60% कर दिया गया है, आलमी सतह पर 50% करार दिया जाता है। तफसील जानेंगे सुहेल इमरान से। सुहेल बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2024 और 25 का अभी ऐलान नहीं किया जा सका है, जो कि 30 जून को खत्म हो गए थे। अब उन फिटनेस टेस्ट जो होने जा रहे हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ रखा गया है, जिसकी इसके परफॉर्मेंस होगी और उसकी बुनियाद के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और इस सिलसिले में क्योंकि टेस्ट स्क्वाड के जो खिलाड़ी थे उनके फिटनेस टेस्ट नहीं हो सके थे, और अब इन खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 7 और 9 सितंबर को लाहौर में होंगे। और बड़ा सख्त क्राइटेरिया एक रखा गया है इस सिलसिले में खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट के लिए, जिसमें बेंच प्रेस, स्किन फोल्ड, बेंच पोल, स्क्वाट और जंप है। और उसके साथ साथ 2 किलोमीटर टाइम ट्रायल रन रखा गया है, जो कि 8 मिनट में मुकम्मल किया जाना है। इसके साथ साथ 3 रन के लिए 10 सेकंड का वक्त मुकर्रर किया गया है, और 30-30 सेकंड के वक्त के बाद 6 मरतबा उनको रन लेने पड़ेंगे। और इस वजह से जो सख्त क्राइटेरिया एक रखा गया है फिटनेस टेस्ट से, उससे जो कौमी क्रिकेटर्स हैं वो खासे परेशान है। और अभी से उन्होंने अपनी तैयारी और खासतौर पर स्किन फोल्ड के हवाले से जो उनके फैट लेवल है उसको कम करने के हवाले से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान आपका।